everyone, a very good evening to all of you. My name is Nikita and I welcome you all to today's session, wherein we are going to cover the monthly roundup for the month of August 2023. We are going to cover uh, current legal knowledge for this month. All right. So important kyun hai? Bhi dekho the ke perspective say current legal knowledge play, uh, has a very important role to play. We have a lot of passages which are based on current legal knowledge approach we've already discussed.

स राइट ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया तो भाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो किस देर रीकनसिडरिंग डिविजन बेंच का थर्ड ट्वेंटी इलेवन का जजमेंट ठीक है uh, हुआ क्या था मतलब उसके अंदर क्वेश्चन uh, ये था कि भाई ऐसे बच्चे यू नो चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ इनवैलिड वेबल मैरिजेस उनके इनहेरिटेंस राइट के बारे में ये पूरा केस था ठीक है उनको उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे कितना अधिकार मिलेगा कितने राइट्स होंगे अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा या इंटरेस्ट प्रॉपर्टी uh, पे कोई राइट होगा नहीं होगा उससे रिलेटेड पूरी कॉन्ट्रोवर्सी वी आर गोइंग टू कवर टूडे वन सेकंड इज सिनेमेटोग्राफ बिल ट्वेंटी तो भाई वी हैव सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ नाइन टू विच टॉक्स अबाउट सेंसरशिप एंड आर लॉट ऑफ अदर प्रोविजन ठीक है जो हमारे यहाँ जितनी भी मूवीज होती है जितनी भी फिल्म होती है उनको रेगुलेट करता है ठीक है तो आज उसी बिल में उसी बिल को अमेंड करने के लिए वी हैव अ बिल कॉल्ड सिनेमेटोग्राफ बिल 2023 जो कि अब एक्ट भी बन चुका है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है है ठीक तो कुछ प्रोविजन ऑफकोर्स ये एंटी पायरेसी के बारे में बात करता है कॉपीराइट इश्यूज के बारे में बात करता है जो कि पुराने पुराने एक्ट में जो कि नाइनटीन का एक्ट है उसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है इनफैक्ट बहुत सारी प्रोविजन तो ऐसे हैं जो कि उसके अंदर डिफाइंड है भी नहीं ठीक है बहुत सारी Uh, चीजें जैसे कॉपी राइट रिलेटेड इशूज हो गए, या हो गए वो उसके नहीं, नहीं है act, okay? in नहीं, नहीं बोला कि भाई रेफरेंडम की जो हम बात करते हैं इट इज नॉट एन ऑप्शन इंडियन दैट मैटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हमें पता है कि अच्छा रेफरेंडम होता है क्या वॉट इज रेफरेंडम रेफरेंडम इज एन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पब्लिक uh, अपना वोट करती है ठीक है पब्लिक किसी भी इशू पर अपना वोट देती है यस या नो में ठीक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो हमें गवर्न करते हैं राइट वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं तो उसी के बारे में विल सी रेफरेंडम होता क्या है ठीक है इंडिया में वो हो सकता है नहीं हो सकता है क्या ऐसा कोई लॉ है जो उसको प्रोहिबिट करता है ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर ठीक है सीआरपीसी आई पी सी इंडियन एविडेंस एक्ट मैम एक नया बिल आ रहा है यूरो you know, तीन बिल्स आ रहे हैं वो उनको कम्प्लीट कम्प्लीट ओवरऑल होने वाला है तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्या क्लाइट में हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा क्लाइट के लिए क्लाइट की परस्पेक्टिव से तो भाई सिंपल सी बात है आज से अपन वही डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्स तो आ रहे हैं ऑफ प्रपोज बिल्स हैं उनके अंदर पुराने एक्ट्स में काफी सारे चेंजेस वो प्रपोज कर रहे हैं पर हाल फिलहाल ये बिल्स हैं सिलेक्ट कमेटी के पास ठीक है तो अभी वो जब तक एक्ट नहीं बन जाते तब तक हमें सिर्फ उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमारे पेपर के लिए उतना ही रेलिवेंट है ठीक है अगर पैसेज आता भी है तो उसी हिसाब से आ सकता है कि भाई है क्या इन बिल्स में है क्या दैट्स इट ठीक है सो वी आर गोइंग टू सी दैट टुडे ऑफ कोर्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट मॉब लिंचिंग ठीक है मॉब लिंचिंग क्या होता है हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं इसके ठीक है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने uh, काफी स्टेट से बोला था कि भाई क्या इशू है ये मॉब लिंचिंग इतना इतना ज्यादा सर्च क्यों है मॉब लिंचिंग के केसेस में इसलिए उनसे रिपोर्ट्स मांगी गई हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं फॉर एग्जाम्पल यूपी में हमने केसेस देखे हैं जब रिलीजन के नाम पर या फॉर दैट मैटर काउस लॉटर के नाम पर लोगों ने मॉब लिंचिंग uh, किया है ठीक है फिर हमने अलवर राजस्थान में देखा है पहलकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वेरी रिसेंट केस इन सारे केसेस में हमने अलग अलग केस स्टडीज हैं जिनको आज हैं, तो हम आज कवर करने वाले स्पेशली so in देखो आज हम चिल्ड्रेन uh, के जो राइट की बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हिंदू मैरिज एक्ट ठीक है चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड इनवैलिड और इनके क्या राइट्स होते हैं भाई नॉर्मल जो लीगल मैरिजेस से जो बच्चे हुए हैं उनके राइट तो हमें है हमारा लॉ भी क्लियरली बता देता है बट वॉट वॉट अबाउट द ऑफ चिल्ड्रन इन वैलिड मैरिजेस ठीक है अच्छा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 में ये भी बात करता है कि uh, ऐसा कोई भी बच्चा जो कि इन वैलिड से हुआ है उनको भी हम लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे ठीक है बट उनका राइट सिर्फ उनके पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर होगा ठीक है उनकी उनका राइट right, उनके पेरेंट्स के सिर्फ सेल्फ प्रॉपर्टी पर होगा ना कि किस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, ठीक है? तो इशू इस बात से उठा किड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक है सेल्फ अक्वाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अपने अपनी मेहनत से अपने हार्डवर्क से कमाई हूँ ठीक है जो मैंने अपनी स्किल्स को यूज करते हुए या अपनी मेहनत से कमाई हूँ ठीक है

तो इस इश्यू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक दिया अभी रिसेंटली देखते हैं तो आज की ये कॉन्ट्रोवर्सी पूरी उसी पर है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन एट जजमेंट अफॉर्म दैट चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ इनवैलिड वॉइड एंड वॉयल हिंदू मैरिजेस कैन इनहेरिट पेरेंट्स एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो अपने पेरेंट्स की एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकते हैं अब बात ये आती है कि भाई वॉइड मैरिजेस क्या होती है वॉयडेबल मैरिजेस क्या होती है लेट्स टॉक अबाउट एम चलो लेट्स सी ये मैरिजेस क्या होती है देखो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिजेस व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिजेस टू टाइप्स ठीक है वो होती है दो टाइप की एक होती है वॉइड मैरिजेस और दूसरी होती है अवॉयडेबल मैरिजेस

हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है? वो होती है जो कि स्टार्टिंग से ही उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता ठीक है वो ऐसी मैरिजेज होती है जो हम उनको ऐसे मान के चलते हैं जैसे वो कभी हुई नहीं थी ठीक है दे आर इन वैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सो दीज आर द मैरिजेस विच आर इन वैलिड इनवैलिड फ्रॉम द वेरी ठीक है वही टॉक अबाउट कि इनिशियली तो ये वैलिड होती है बट तो बाद में जाके बिकॉज ऑफ डिफेक्ट या फिर सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन और इन द ऑल्टरेशन ऑफ कंडीशन दे बिकम void ठीक है तो स्टार्टिंग से तो ये वैलिड रहती है पर बाद में जाकर ये बाद में जाके uh, इन वे वोइड हो जाती है ठीक है इनको अनल कराया जा सकता है अनल कराने मतलब कैंसिल करवाया जा सकता है कौन करवा सकता है दोनों पार्टी दो पार्टीज होती है मैरिज में दोनों पार्टी में से कोई सी पार्टी जाके इनको अनल करवा सकती है ठीक है सो इनिशियली दे आर वैलिड बट कैन बी अनल ड्यू टू डिफेक्ट सो दे आर इनिशियली वैलिड बट कैन बी अनल्ड ड्यू टू Thumb, ठीक, है? And this is the of the ठीक है जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है ना वो पार्टी जाके कोर्ट में इस मैरिज को खारिज करवा सकती है या अनल करवा सकती है ठीक है ये होती है वॉयडेबल मैरिजेस अच्छा किस किस टाइप uh, के केस में वॉयडेबल मैरिज होती है किस केस uh, में वॉइड मैरिज होती है देखो जब हम वॉइड मैरिज की बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट आता है ना बाइगमी का ये कंसेप्ट आता है वॉइड uh, मैरिज उसे कहा जाता है ठीक है

यू uh, नो you know, जब आप सेम पिंड के हो या फिर ऐसी कोई प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आपने शादी के लिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज आज आपके फर्स्ट कजन हो या फिर एकदम यू एकदमो ब्रदर के नॉट मैरी हिज सिस्टर उस टाइप के कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स है तो वहां पर यू के नॉट मैरी ठीक है सो दैट इज मैरिज इन केस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज या फिर सपिडा रिलेशनशिप के केस के में भी दिस के नॉट बी डन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर वो आ जाता है आपकी वॉइड मैरिजेस में तो इसका एग्जाम्पल कुड बी बाइगमी सेकेंड मैरिज जो होती है या फिर सपन्डा या फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में जो भी मैरिज होती है वो ठीक है वही अगर मैं वॉडवेल मैरिज की बात करती हूँ तो वॉडवेल मैरिज ये ऐसी मैरिज हो सकती है जो कि यू you नो know, अगर आपको कंसेंट फ्री नहीं है आपने शादी के लिए जो कंसेंट दिया दैट वाज आउट ऑफ फ्रॉड और कंपल्शन किसी ने आपको फोर्स किया था शादी करने के लिए या फिर आपकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं थी या फिर आप मैरिजेबल जो भी एज है जो कि हिंदू मैरिज मैजैट बताते हैं कि भाई ब्राइड ग्रूम शुड बी ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स और उन्होंने कम से कम इक्कीस साल कम्प्लीट कर लिया और ब्राइड ने कम से कम 18 साल कम्पलीट कर लिया आपकी वैसी एज ही नहीं थी आपको जबरदस्ती फोर्स कर दिया गया शादी करने के लिए बाद में आप जाकर उस मैरिज को कोर्ट में अनल करवा सकते हो ठीक है सो एग्जाम्पल अनदर थिंग कुड बी योर एज ठीक है ये होता है बेसिक सा वॉइड और वॉइडेबल मैरिज का तो जब भी कोई बच्चा void या मैरिज से आता है तो उसके पास राइट कैसे होते हैं उस बारे में कॉन्ट्रोवर्सी है ठीक है चलो फाइन नाउ तो ये जो जजमेंट था इस जजमेंट ने थ्री जज बेंच का एक जजमेंट है अभी जो आया. इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बात करी लेट इट वॉज इन्फ्लुस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2011 जजमेंट Uh, रिवाना सिदप्पा वर्सेस मलिक अर्जुन तो ये वाले एक जजमेंट था 2011 का इसमें यू you नो know, इससे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हुआ है ठीक है जो आज जजमेंट दिया ना वो इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है कोर्ट क्या बोल रहे द केस रिवॉल्व्ड अराउंड एन अमेंडमेंट इन सेक्शन सब सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अपन क्शन सिक्सटीन क्या बोलता है भाई देखो ये सिंपली बोलता है कि uh, ऐसे जो बच्चे हैं इनका राइट पेरेंट्स सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा बट ना कि एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ठीक है तो इसी पे कोर्ट को डिस्कस करना था ठीक है ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं पहले जहां पर कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई uh, बच्चे हैं जो ऐसे इनवैलिड वैलिड मैजिस्ट्रेट जो भी बच्चे होते हैं उनको हम लेजिटिमेट बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते देर वर अ लॉट ऑफ केसेस ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड थ्री का जैसे एक केस था दैट किटोन वर्सेस यू नो जीनिया किटोन वर्सेस एस एम मांझी ये दो हजार तीन का एक केस है इसमें कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो ऐसे बच्चे जो इन मैरिज से हुए हैं और ऐसे बच्चे जो कि वैलिड मैरिज से हुए हैं उनको यू नो वी कॉन्ट ट्रीट देम ऑन पार विच अदर ठीक है तो हम वैसे ट्रीट तो उनको नहीं कर सकते तो इस टाइप के कुछ केसेस थे इसलिए भी कोर्ट को लगा कि नहीं यार यू नो दाइम हमें इन इन जजमेंट्स की करेक्टनेस को थोड़ा चेक करना चाहिए सही है भी या नहीं है इसीलिए इसलिए भी दिस केस बिकम्स इंपॉर्टेंट दिस बिकम्स अ लैंडमार्क थे ठीक है तो भाई बोला क्या पे कोर्ट ने बोला द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन सच रिलेशनशिप में बच्चे का जब जन्म हुआ है इट टू बी व्यूड इनडिपेंडेंटली पेरेंट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप थी वैलिड इन वैलिड मैटर ठीक है बच्चे के बर्थ को उससे अलग रखो ये चीज कोर्ट ने बोली कोर्ट ने ये भी बोला दैट अ चाइल्ड बोर्न इन सच रिलेशनशिप इज इनोसेंट भाई अगर आपकी से वॉइड मैरिज है इन वैलिड मैरिज है, है उसमें बच्चे की क्या गलती इनोसेंट ठीक है ये चीज भी कोर्ट ने क्लियरली बोला एंड दट इज वाईज एंटाइटलिएटमेंट दो जैसे कि क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है उसको वैसा ट्रीटमेंट दो जैसे कि एक बच्चे को मिलता है जो की वैलिड मैरिज से हुआ है ठीक है ये चीज कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोली द चिल्ड्री लिमिटेड प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स एंड नो अदर रिलेशन उन्होंने ये चीज बोली भाई सिंपल सी बात है किसी और इंसान से तो मांगने नहीं जाएंगे फैमिली मेंबर्स से उनकी प्रॉपर्टी लेने नहीं जा सकते बट उनके पेरेंट्स से डेफिनेटली ले सकते हैं और यहां पर जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी आएंगी यहां पे एंसेस्ट्रल भी और सेल्फ अक्वायर्ड में तो आएगा ही सही ठीक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी में उनका राइट होगा सेल्फ अक्वायर्ड तो पहले से ही था भाई ठीक है पेरेंट्स की कमाई हुई प्रॉपर्टी आराम से लो बात एंसेस्ट्रल पर है ठीक है तो ये कंटेंशन में था अब ये सेटल्ड है कि अब तो उनको ancestral में भी राइट right मिलेगा ठीक है ओके प्रोविजंस रिलेटेड टू इनहेरिटेंस इन इंडिया तो भाई इंडिया में कौन से प्रोविजंस है जो इनहेरिटेंस की बात करते हैं 16 16 3 3 1956 तो का के बारे में बात करता है पहली बात अगर ऐसा कोई बच्चा है चिल्ड्रेन you know, वो चिल्ड्रन में कोई भी हो सकता है चाहे सन हो या डॉटर हो हैदर एंड ग्रैंड मदर तो भाई उनके पास इक्वल राइट्स होंगे फादर की प्रॉपर्टी पे ठीक है अगर वो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड है तो वॉट अब दोस्टमसली बॉर्न चाइल्ड पॉस्टमसली बॉर्न चाइल्ड कौन होता है ये ऐसा बच्चा होता है जो जिसका जन्म होता है पेरेंट्स की आ, फादर की डेथ के बाद ठीक है ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं पोस्टमसली बॉर्न चाइल्ड

अगर हम इनहेरिटेंस लॉस की बात करें इंडिया में तो ये काफी पहले से स्टार्ट हो गए थे ठीक है यू टॉक अबाउट एंशियंट पीरियड तो भाई यहाँ पे क्या सीन था इसको हम दो मिनट अगर डिवाइड करें तो वी हैव प्री वेदिक टू तो वेदिक टाइम्स इनहेरिटेंस प्रैक्टिस पैट्रिलीनियल का मतलब क्या होता है थ्रू द लाइन ऑफ मेल ठीक है मेल मेंबर के साइड ये वाली ज्यादा यू नो टिल्टेड थी

ये वाली चीज कोडिफाइड लॉ है इसके अंदर इनहेरिटेंस राइट के बारे में काफी चीजें बात काफी चीजों के बारे में बात करी गई है बट ये भी कैसी थी इसमें प्रॉपर्टी राइट है तो प्रॉपर्टी राइट्स किसको मिलने चाहिए मेल एयर्स को तो यहां पे इंपॉर्टेंस दिया गया मेल एयर्स को इनिशियली एंशियंट पीरियड की बात करें फिर है आपका मीडियबल पीरियड तो भाई मीडियबल पीरियड में क्या सीन था इस्लामिक रूल था तो भाई ऑब्वियसली बात है इस्लामिक रूल अब चल रहा था तो इनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉस थे इस्लामिक रूल्स थे वो अप्लाई होते थे उन रूल्स ने बेसिकली किया किस चीज पे फिक्स्ड शेयर पे तो इनका एक कंसेप्ट चलता था फिक्स्ड शेयर फिक्स शेयर का मतलब क्या वो लोग पहले डिसाइड करते थे कि भाई सन को कितना मिलेगा डॉटर को कितना मिलेगा ग्रैंड मदर फादर इनको कैसे मिलेगा तो सबके शेयर्स ऑलरेडी फिक्स है वहां पे ठीक है तो मीडियबल पीरियड में फिक्स सिस्टम चलता था फिक्स शेयर अच्छा वॉट अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंसराइ पोस्ट इंडिपेंडेंसन लॉज ठीक है पहला लॉ था अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट नाइन बात है इसने आपके सक्सेशन एक्ट को अच्छा खास मॉडर्नाइज कर दिया और uh, इक्विटेबल शेयर बताया डॉटर्स एंड अदर फीमेल रिलेटिव एंड एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो भाई फीमेल्स को डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में अच्छा मूव था ये फिर आया आपका हिंदू सक्सेशन एक्टमेंट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट था लैंडमार्क जजमेंट भी आए इस पर

इवन इफ फादर डाइट बिफोर 2005 थामेंट एक्ट ठीक है तो डॉटर्स का राइट right रहेगा तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यू नो धीरे धीरे जैसे हमारा सिस्टम इवॉल्व हुआ इनहेरिटेंस में डॉटर्स uh, को अच्छा खासा राइट right मिला ठीक है सन्स की बात तो एनीवेज था ही बट डॉटर्स को भी अच्छा खासा राइट अब मिला सो इन अ वे वी आर मूविंग टूवर्ड्स जेंडर पैरिटी ठीक है अब जेंडर डिस्पैरिटी से हटके हम जेंडर पैरिटी पे चले गए ठीक है सो जेंडर इक्वालिटी जेंडर पैरिटी वो वाला सिस्टम हम अब यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं ठीक है और भी सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी ऐसी रूलिंग्स थी जैसे ट्रिपल तलाक हो गया या फिर यूसीसी से रिलेटेड जितनी भी रूलिंग्स है वो सारी के सारी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं ठीक है अच्छा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉन्ट्रोवर्सी काम की बात यहाँ से इतनी है कि um, ऐसे बच्चे किड्स हुआ बॉर्न आउट ऑफ इन वैलिड मैरिजेस इवन दे आर एलिजिबल टू हैव अ शेयर इन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर Self में भी और एनसेस्ट्र में भी ठीक है one thing. Second is, uh, inheritance rights बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लायट के परस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है ऐसे इम्पोर्टेंट है इससे इस रिलेटेड कोई भी अगर पैसेज आता है यू शुड बी एबल टू आंसर इट ठीक है बैकग्राउंड जो था वो यहां पर है इतना बैकग्राउंड भी क्लियर होगा ना तो इश्यूज नहीं आएंगे ठीक है बस दिस वाज रेलिवेंट सो हियर इट इज चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन देन ट है अभी एक्ट भी बन चुका है प्रेसिडेंट ने क्योंकि इसको असेंट दे दिया। हमको इतना तो पता है ना नॉर्मली जब भी एक बिल होता है तो you know, five stages से वो होके गुजरता है डिबेट्स डिस्कशन वोटिंग मेजोरिटी फिर दूसरे हाउस में जाता है फिर वहां पर पूरा सेम सिनारियो चलता है, and finally, से असेंट लिया जाता है और प्रेसिडेंट का असेंट अगर मिल जाता है तो उसको ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाता है ठीक है दैट इज हाउ

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो वो उसको सेंसर कर देता था ठीक है सर्टिफिकेट तो वही इशू करते थे तो वो उसको सेंसर कर देते थे तो हमारा फोकस फोकस पूरा किस चीज पे पे था सेंसरशिप आज ये focus थोड़ा सा सेंसरशिप से हटकर थोड़ा सा यू you नो know, दिया गया है कैसे बढ़ा दिया गया है भाई ऐसा भी तो होता था ना आजकल हमको मूवीज कहाँ पे मिल जाती टोरेंट पे मिल जाती है या फिर यू नो एक मूवीज के कुछ सीन्स कॉपी कर लिए या फिर कुछ सॉन्ग्स ही कॉपी कर लिए या फिर कुछ कुछ चीजें यू नो जो टिपिकली एक यू you नो know, एक मूवी की है वो हमने कुछ कुछ पार्ट कॉपी करके दूसरी मूवी में डाल दिया तो कहीं ना कहीं पायरेसी है पायरेसी होता क्या है पायरेसी sort of sort of तो इस बिल के थ्रू ठीक है और एंटी पायरेसी को कैसे डील किया जाएगा भाई पायरेसी को कैसे डील किया जाएगा उसके लिए अपने पास ही प्रोविजन है ठीक है तो काफी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज उसके लिए दी गई है और उसके अलावा कॉपी राइट इशूज तो भाई हमें ये भी पता है कि एक जब मूवी बनती है तो उसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं इज इट बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं फिर चाहे आप प्रोड्यूसर के बोलो या डायरेक्टर के बोलो एक्टर्स के बोलो ब्यूजिशियंस के बोलो कंपोजर्स के बोलो लिरिसिस्ट के बोलो सबके एफर्ट्स होते हैं है, है ना और मूवी कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैकेनिकल वर्क के मशीन में डाला और बन गई ऐसा तो नहीं होता कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल यू नो इट इज एन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन यस इट इज तो ऐसे इंटेलेक्चुअल क्रिएशन को प्रोटेक्शन की भी जरूरत है अगर कोई आज मैंने बहुत मेहनत करके मूवी बनाई ठीक है पूरा अपना दिमाग लगाया नहीं नहीं ये सीन अच्छा है वो सीन अच्छा है ये जगह अच्छी रहेगी ये लोकेशन बढ़िया रहेगी मैंने सोच के बहुत अच्छे से मूवी बनाई अब कल को एक इंसान आता है और मेरी मूवी में से जो जो मैं जो जो मैंने यू नो दिमाग लगा के जो चीजें बनाई थी वो सबको कॉपी करके ले गया मेरी परमिशन के बिना और उसको जाकर वो मार्केट में बेच रहा है ठीक है कमर्शलाइज कर रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो मेरे लिए तो गलत हुआ ना ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि मूवीज के केस में हमको कॉपीराइट uh, से मिलता है कैसे प्रोटेक्ट हुआ वो चीज के बारे में भी जो अपना एक्ट है वो कोई स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा था तो ये जो बिल है ये बात करता है, है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखते हैं इसके अंदर और क्या चल सो <coughs> right. so, um, पहली बात अच्छा हमें क्योंकि ये देखना है कि ये जो बिल आया है ये एक्ट में चेंजेस कर रहा है तो भाई Act में कैसे चेंजेस हो रहे हैं तो पहले ये पता होना जरूरी है ना एक्ट में है क्या देखते हैं तो वी हैव दिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी basically this ensures that films are exhibited in accordance with the limits of tolerance of indian society bhai wali cheez ki bhai society ke moral standard ke hisab se movies banni chahiye tabhi to apne paas ye certification wala ya censorship wala scene tha ki bhai ऐसी uh, मूवीज जो कि सोसाइटी में चल चल नहीं पाएंगी या फिर उनके मॉरल स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो उनको सर्टिफिकेट दो ही मत ठीक है उनको पब्लिश करने का मौका दो ही मत ऐसा तो पहली बात तो ये यह यही इंश्योर करता था कि भाई जो भी मूवीज है दे आर विद इन द लिमिट्स ऑफ टॉरेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट्स वन सेकेंड इट लेस डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस फॉर सर्टिफाइंग फिल्म तो भाई ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में एक्ट बात करता है एक्ट बोलता है कि भाई

पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी डिफेमेशन कंटेम ऑफ कोर्ट एटसेट्रा तो भाई ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिनका ध्यान रखना होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी होती है जो मूवी को सर्टिफाई करती है कि भाई हाँ दिस इज अ परफेक्ट वन इसको मार्केट में लाया जा सकता है थेके? तो वो अथॉरिटी इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखती है ये वो सारे हैं ठीक है ठीक है और देखते हैं किस बारे में में बात करता है है इसके अलावा, Cinematograph act जो है, इसके अलावा जो तो भाई सीबीएफसी क्या होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इट इज सेंट्रल बोर्ड फिल्म

चलो पहली बात तो भाई एंटी पायरेसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है पायरेसी आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अनऑथोराइज रिप्रोडक्शन ऑफ समबडी एस वर्क ठीक है किसी और के काम को अनऑथराइज तरीके से यूज करना बिना उसके परमिशन के दैट इज पायरेसी ठीक है कॉपी करना अपने टर्म्स बोला जाए तो कॉपी कर लेना ठीक है चलो नाउ एंटी पायरेसी प्रोविजन द बिल एम्स टू डेटर पायरेसी ऑफ फिल्म बाई इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऑन इंडिविजुअल्स

तो अगर आप वो कंटेंट मार्केट में लाते हो उसकी परमिशन के बिना कॉपीराइट ओनर की परमिशन के बिना आप उसका कंटेंट कॉपी करते हो मार्केट में लाते हो उससे पैसे कमाते हो देन इन दैट केस आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी पेनल्टी कैसी ये भाई इसकी पेनल्टी अगर कर बात करें तो तीन महीने से आपकी सजा जा सकती है तीन साल तक थ्री मंथस टू थ्री ईयर्स तक की आपको सजा मिल सकती है और दूसरी चीज अगर पैसे की बात करें तो भाई तीन लाख रुपए प्लस थ्री लाख ,00 रुपीज प्लस फाइव परसेंट ऑफ जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है ठीक है प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी है उसका पांच परसेंट ठीक है ये वाली बात करी गई थी फाइन तो पेनल्टी स्ट कर दी तो अब क्योंकि पेनल्टी अच्छी खासी है तो इन अ वे वी आर ट्राइंग टू डेटर दिस एंटी पायरसी यू नो वी आर ट्राइंग टू डेटर पायरसी थ्रू दिस एंटी पायरेसी प्रोविजन दैट्स वन अच्छा मूव है इस बारे में पुराने एक्ट में कोई बात नहीं थी सेकेंड एक्सपेंशन ऑफ कॉपीराइट कवरेज ओके टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ मेकर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई पहले जहां कॉपीराइट ओनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता था आज ये वाला बिल कॉपीराइट ओनर्स के इंटरेस्ट की भी बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी सिक्योर करने की बात कर रहा है विच इज अगेन अ वेरी नाइस मूव वेरी नाइस मूव ठीक है वर्नमेंट लिमिटेड पावर ओवर सीबीएफसी तो भाई पहले क्या होता था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अपना सेंसर बोर्ड ने कुछ भी दे दिया ना एज एन सर्टिफाई कर दिया किसी मूवी को उसके बाद भी रिविजनल पावर किसके पास होते थे गवर्नमेंट के पास ठीक है तो उनके डिसीजन को ओवर रूल करने का पावर गवर्नमेंट के पास होता था अभी वाला जो बिल है उन्होंने गवर्नमेंट से वाला पावर छीन लिया ठीक है तो अब अच्छा खासा पावर किसके पास है सीबीएफसी के पास ठीक है अब सीबीएस सीबीएफसी को यहाँ पे अच्छी खासी ऑटोनोमी मिली है ठीक है यहाँ पे उनको ऑटोनॉमी मिली है ठीक है वन एज रेटिंग्स तो भाई हमको ये तो पता ही है यू नो अडल्ट के लिए कौन सी मूवीज होती है और uh, उसके लिए सर्टिफिकेट में आपने देखो मूवीज अब देखी होगी तो इस टाइप का नहीं नॉट योर जस्ट अ मिनट नॉट योर

ऐसी कोई भी मूवी जो कि अडल्ट के लिए नहीं होती थी या फिर सॉरी ऐसी कोई मूवी जो अडल्ट के लिए होती थी या कह लो थोड़ी ऐसी होती थी जिसको हम टीवी पे नहीं दिखा सकते ठीक है तो प्रोड्यूसर्स उस केस में क्या करते थे कि क्योंकि सीबीएफसी मतलब उस चीज का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि हम टेलीविजन पे वो चीज दिखा सके या वो मूवी दिखा सके तो ये लोग क्या करते थे कि वो वाला सीन वहां से मूवी बच्चा हटा देते थे ठीक है ऐसा कोई भी ऑफ सीन सीन है कुछ भी इस टाइप का सीन है जिसको नहीं दिखाया जा सकता नहीं एग्जिबिट किया जा सकता टीवी पर उसको वहां से हटा देते थे कट कर देते थे और कट करके फिर वापस से सर्टिफिकेट लेते थे ठीक है तो ये प्रैक्टिस चली आ रही थी पर कहीं भी इसको रेकोग्नाइज नहीं किया जा रहा था तो जो नया बिल आया ना इसने उस प्रैक्टिस को रेकग्नाइज किया फॉर्मली ठीक है तो इस प्रैक्टिस को फॉर्मल रिकनाइजेशन यहां पर मिला ठीक है व्हाट इज फॉर्मल पे कि भाई इसको फॉर्मल रेकोगनाइज किया कि ऐसा कोई भी चीज है आप उसको वहां से मॉडिफाई uh, करो जो भी मूवी है या वट एवर दीरीज और वट एवर इट इज उसको वहां से मॉडिफाई करो अगर ऐसा कोई भी कॉन्टेंट है जो कि टीवी पे नहीं आया नहीं लाया जा सकता पहले ऐसा था कि सिर्फ दस साल तक के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता था फिर आपको वापस जाना पड़ता था सर्टिफिकेट लेने के लिए बट अभी वो वाली यू नो कंडीशन हटा दी चुकी है हटा दी गई है नाउ यू हैव पर आया है. तो अच्छा मूव है, है. मतलब, अच्छा, इससे पहले क्लैट के परस्पेक्टिव से मैम ओके आई ऑल्सो देखो भाई नया बिल आया है और जहां भी जैसे ये थोड़े टॉपिक्स आ गए ना पायरेसी कॉपी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिसलेनिय सीएल के में भी ये वाली चीज आ सकती है ठीक है तो हमें सिर्फ इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए पायरिसी का मतलब क्या होता है कॉपी करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं कॉपीराइट क्या होता है इनका अगर हमको आइडिया है ना तो अगर इस पर कोई भी पैसेज uh, आता है देखो कंडीशन यही होने वाली है कि भाई पुराने बिल में सॉरी पुराने एक्ट में और नए बिल में क्या डिफरेंसेज है मेजर हाईलाइट क्या है तो वो तो हमने कवर कर ही लिए तो अब तुम तो हल्के से स्कैन भी करोगे ना पैसेज को तो भी काम चल जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि भाई रेफरेंडम इज नॉट मेंट फॉर इंडिया ठीक है रेफरेंडम नॉट एन ऑप्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यार अब सुप्रीम कोर्ट ने बात तो बोल दी पर ये तो पता होना चाहिए रेफरेंडम होता क्या है लेट्स सी रेफरेंडम होता क्या है व्हाट इज रेफरेंडम तो यार देखो सिंपल सी बात है सिंपल सा सिंपल्ट अगर ऐसे समझा जाए तो इंडिया में हमारे क्या होता है क्या सिस्टम है हमारे वी हैव डरेट डेमोक्रेसी और वी हैव इन डेरे देखो वी हैव इन डरेड डेमोक्रेसी ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि हम हमारे लीडर्स हम वोट डालते हैं ठीक है वी कास्ट ऑफ वोट और फिर वोट कास्ट uh, करके हम हमारे इलेक्ट करते हैं रेप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके हम क्या करते हैं उन रेप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं कि वो हमें गवर्न करें हमारे लिए लॉ बनाए उन लॉस को इम्प्लीमेंट करें ठीक है अच्छा रेफरेंडम में आई मीन देर आर सम्रीज यहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑस्ट्रेलिया वी है स्विट्जरलैंड वी हैव डेनमार्क जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ठीक है तो वो क्या करते हैं देखते हैं वहां पर रेफरेंडम फॉलो किया जाता है रेफरेंडम होता क्या है समझते हैं देखो अ रेफरेंडम इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ठीक है थ्रू पीपल कैन वोट डायरेक्टली ऑन अ पर्टिकुलर इशू ठीक है तो अगर कोई पर्टिकुलर इशू है तो उसमें लोग डायरेक्टली वोट कर सकते हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई लोगों को बहुत एम्पावर किया जा रहा है बट इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं ठीक है दिस इज काइंड ऑफ सिस्टम राइट तो इसके भी कुछ तो कुछ ना प्रोज एंड कॉन्स है बट लेट्स अंडरस्टैंड इज अ रेफरेंडम तो भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नॉर्मली होता है एक इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जिससे लोग डायरेक्टली वोट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू पर ठीक है सिटीजन आर अलाउड टू वोट ऑन अ स्पेसिफिक इशू ठीक है उनको स्पेसिफिक इशू पे वोट करने दिया अलाउ किया जाता है या फिर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कोई क्वेश्चन हो या स्पेसिफिक इशू है कर सकते हो आराम से कोई इशू नहीं है टिपिकली प्रपोज बायर्नमेंट और अदर ऑफिशियल बॉडी तो भाई गवर्नमेंट एक इशू लेकर आती, ले आती है जिसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन सीख किया जाता है in, बोला कि आपके हिसाब से येस होना चाहिए या नो होना चाहिए वोट करो ठीक है जैसे हमने क्लास में नहीं कर लेते हैं कि रेजो हैंड्स इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन वैसा वाला सीन ठीक है यहाँ पे वही वाला काम बच्चों के जगह लोग करते हैं ठीक है पब्लिक करती है सो दैट इज रेफरेंड रिजल्ट ऑफ द रेफरेंडम आर देन यूज टू डिम द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो भाई आगे क्या करना है उस पर्टिकुलर इशू पे क्या नहीं करना है वो कैसे डिटेमाइन करते हैं वो रेफरेंडम के रिजल्ट से डिटेमाइन करते हैं ठीक है ठीके? तो ये है इसका रिजल्ट ना तो भाई ये हुआ बेसिक्स ऑफ अंडा रेफरेंडम का अच्छा बहुत बार ना रेफरेंडम के साथ एक और वर्ड यूज होता है मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें इंटरचेंजेबलीस भी कर लिया जाता है रेफरेंडम एन है वाला वर्ड सुना है कभी देखो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी का ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें भी लोगों से लोगों का ही ओपिनियन लिया जाता है डिफरेंस दोनों में ऐसा है कि रेफरेंडम्स का की लीगल बाइंडिंग ज्यादा होती है ठीक है प्लेबिसाइड की कंपैरेटिवली कम होती है रेफरेंडम में आंसर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी पर आपको स्पेसिफिक आंसर देना होता है ठीक है या फिर स्पेसिफिक इशू पे होता है ये जहां पर आपको येस या नो में आंसर देना होता है प्लेबिसाइड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं इसके अंदर या फिर कह लो बहुत ही जनरल से या एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं ठीक है ठेके? और उसके अंदर पब्लिक को अपना ओपिनियन बताना पड़ता है तो स्लाइड डिफरेंस है बट है दोनों टर्म्स में ठीक है यहाँ पे दिस इज मेजरली फॉर जनरल और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन एंड दिस इज मोर स्पेसिफिक ठीक है दिस इज योर रेफरेंडम इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी करी है इंडियन कॉन्टेक्स में ठीक है चलो भाई इसका स्कोप क्या में? किया जाता है बिल्कुल यार एक बात तो ये देखो कि जब भी अमेंडमेंट किया जा रहा है for example, किसी भी कंट्री में जहां पर पॉपुलेशन कंपेरिटिवली कम है ठीक है हमारे यहाँ भी की बात करें तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ही है बट हमारे यहाँ क्योंकि हम इंडियन डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव

ऐसे कोई भी कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज है जैसे सेम सेक्स मैरिज पर हो गया या फिर प्रोस्टिट्यूशन uh, पे हो गया उसको लीगलाइज़ करना नहीं करना ऑल ऑफ दोस थिंग्स दे कैन आल्सो बी डिसाइडेड थ्रू रेफरेंडम ठीक है तो इन सारे केसेस में रेफरेंडम यूज किया जाता है ठीक है चल अच्छा इंडिया की अगर बात करें तो क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ है जो कि रेफरेंडम की बात करता है लेट्स सी देखो भाई ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है जो रेफरेंडम की बात करें एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है तो क्या ये फिर प्रोहिबिटेड है या फिर अनलॉफुल होगा अगर हम ऐसा कुछ कर लेंगे तो अच्छा ऐसे केस में क्या होगा इट इज नाइदर अनलॉफुल नॉर इन इंडिया तो ना ये अनलॉफुल है और ना ही इंडिया में मना है ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो उसके लिए मना करता है ठीक है अच्छा तो इन फैक्ट यू नो वॉट रेफरेंडम्स इन इंडिया पहले यूज किए कहा लेट सी रेफरेंडम इंडिया इन द पास सिक्किम ने यूज किया था भाई और एक बार गोवा ने भी किया था राइट right. गोवा ने भी एक बार यूज किया था सिक्किम ने कब यूज किया इट कंडक्टेड रेफरेंडम टू रिमूव द मोनार्की ऑन अप्रैल 14, 1975 तो भी 1975 तो के टाइम पे मोनार्की को रिमूव करने के लिए लोगों का ओपिनियन लिया गया ये yes, नो no, लोगों ने वोट दिया और फाइनली 55 परसेंट वोट से स्टेट वाज डिक्लेयर एज इंडियन स्टेट ठीक है तो ये रेफरेंडम वाला काम सिक्किम में हो चुका है गोवा में भी हुआ है तो इंडिया में कहीं कही ना कहीं हमने यूज किया है ठीक है आई अंडरस्टैंड बहुत ही लार्ज लेवल पे नहीं बट इस लेवल पे तो किया ठीक है है स्टेट के लेवल पे तो तो हो चुका सो प्रोहिबिटेड नहीं है, किया जा सकता है फिर इशूज क्या है up, किया जा सकता है ऑलरेडी किया भी है तो प्रॉब्लम क्या है फिर लेट्स सी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज मना भी किया देखते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ ग्राउंड्स है लेट्स अंडरस्टैंड पहला ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज ठीक है देखो भाई होता क्या है वेन यू टॉक अबाउट रेफरेंडम तो रेफरेंडम आपके पास बाइनरी चॉइस होती है ठीक है या तो येस yes बोलो या फिर नो no बोलो तो कहीं ना कहीं डेलिवरेशन का चांस बहुत कम है ठीक है चीजों को बहुत ईजी कर देता है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स ठीक है इशू कितना ही कॉम्प्लेक्स है उसको अपने आप हाँ बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है और अगर ये सिंप्लीफाई कर देता है सिर्फ यस और नो में आपको आंसर देना है तो आप बहुत बार उसके यू नो प्रोज एंड कॉन्स नहीं देख पाते हो आप उस पर डेलीबरेट नहीं कर पाते हो आप उस पर डिस्कस नहीं कर पाते हो ठीक है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है ठीक है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए डेफिनेटली दैट्स वन सेकंड मैनिपुलेशन तो भाई बहुत बार ऐसा होता है ना जब जनता डायरेक्टली वोट कर रही है यस और नो में उनको वोट करना है तो जो भी अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं वो बहुत बार यहाँ पे मैनिपुलेट कर देते हैं पब्लिक को यार अपने यहाँ जब नॉर्मली वोट होते हैं तभी आप लोगों ने देखा होगा कितने बार लोगों को ब्राइब किया जाता है उनको कपड़े दे दिए जाते हैं यू नो गुडीज दे दिए जाते हैं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करके उनको ब्राइब किया जाता है ताकि हमारे फेवर में वो वोट करें ठीक है पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं राइट तो यार यहाँ पर जब डायरेक्टली वोट हो रहा है उन्हीं के सामने हो रहा है तो ये बहुत ईजी हो जाएगा वो भी एक चीज है माइनॉरिटी राइट्स तो भाई जब ऐसे ग्रुप्स बनेंगे ना तो बहुत बार ये यू नो दिस कैन लीड टू टेरिन्यू ऑफ मेजोरिटी मेजोरिटी ग्रुप्स जो होंगे फॉर एग्जाम्पल yes है वो इतने सारे हैं नो no वाले इतने से हैं तो कहीं ना कहीं ये हो गए माइनॉरिटी वाले वाले ये ये हो हो गए मेजोरिटी इनके ऊपर फिर यू नो अब्यूसिव सकते हैं दैट इज वन ऑफ ऑफ द पॉसिबिलिटीज माइनॉरिटीशन वो तो है यार नॉर्मली ये क्या होता है जितने लोग आए फॉर एग्जाम्पल पचास लोग आए ठीक है पब्लिक में पचास लोग आए उन लोगों ने बोल दिया आदो ने बोल दिया यस yes, आदमी ने बोल दिया नो ठीक है उस हिसाब से सिंपल मेजोरिटी में यस नो पे हमारा डिसीजन हमने ले लिया बट वही चीज इसी को कंपेयर करके देखो अगर यही चीज पार्लियामेंट में होती जो हमारे होते डेमोक्रेसी में उस केस में आ, पूरा डिबेट होता डिस्कशन होता वोटिंग होती पूरा इलाबोरेट प्रोसीजर होता तो थोड़ी सी फेयरनेस वहां पर ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस ठीक है नो डाउट no अगर हम यहाँ करते हैं तो यू नो क्विकली डिसीजन लिए जा सकते हैं जो हमारा सिस्टम है उसके कंपेरिजन में बट अगेन इट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ डिलिबरेशन ये इश्यूज के साथ भी है वही वाली बात ना प्रोस कॉन्स दोनों जगह

डेमोक्रेसी, ये टूल है डेरेट डेमोक्रेसी का ठीके? जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होता, uh, so uh, हो होता है और पैसेज uh, में रिलेटेड कुछ भी आता है कि भाई यू नो डेरेड डेमोक्रेसी या फिर इन डरेड डेमोक्रेसी रेफरेंडम इसके प्रोस कॉन्स तो हमको एक आइडिया मिल चुका है ठीक है नाउ विल बी कम्फर्टेबल इस टाइप का कोई भी पैसेज आता है तो ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ कॉलोनियल एरा लॉज काफी क्वेश्चन कि हमें कितना पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट में हमको क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों शांत देखो आ, हम जुडिशरी की तैयारी करनी रहे कि हमने पूरे पूरे बैराट एकदम रटके बैठे हो ऐसा तो काम है नहीं है ना देखो यार अभी यूजी लेवल पे में जहां हमको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट का तो इस कंट्रोवर्सी का भी हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए ठीक है कौन से बिल्स आ रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं और उनके मेजर प्रोविजंस क्या है ऐसा क्या है वो जो लाना चाह रहे हैं पुराने वाले लॉज में या फिर क्या वो पुर, पुराने के पूरे के पूरे पूरे लॉज को हटाना चाह रहे हैं बस इतना हमको जानना है ठीक है और जब तक ये बिल एक्ट नहीं बन जाते तब तक तो एनी वेज ये अभी उसी पोजिशन में स्टैंडमेंट पोजिशन में ही है सिलेक्ट कमेटी को दिए गए हैं अभी ठीक है तो अभी वही वाला पूरा सीन जो बिल से एक्ट बनने में जो भी पूरी जर्नी है उसके अभी एक पार्ट में है, बीच में कहीं अटके पड़े हुए हैं ठीक है एज अभी वो पार्लियामेंट्री कमेटी को देके रखा हुआ है कमेटी कमेटी पार्लियामेंट की कमिटी, स्लेट कमिटी उसको देके रखा हुआ है क्यों ताकि उनके हर एक प्रोविजन को ढंग से देखा जा सके ठीक है तो अभी तो वहां पर है फिर उसके बाद यू नो you know, पास होगा मेजोरिटी ऑल ऑफ थिंग्स विल बी डन और उसके बाद फिर दूसरे हाउस में जाएगा वहां पर ये सब कुछ होगा फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का सेंट मिलेगा फिर ऑफिशियल गजट

तो भाई बात यह हुई कि दीज आर ऑल कोलोनियल एरा लॉज एज इन दीज आर द दे रिप्लिक ऑफ ब्रिटिश लॉज ठीक है जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लॉ बना के गए थे ना जो जिनसे वो हमको गवर्न कर रहे थे तो ये उसी टाइम के लॉज है तो इना वे आज तो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो उन लॉज की जो नाइनटीन सेंचुरी के लॉज थे उनकी ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में क्या जरूरत है तो उसकी बात उठी तो और इनफैक्ट बहुत सारे प्रोविजन इनके ऐसे थे जिनको एक्चुअली उनका आज कोई काम नहीं था वो जबरदस्ती इस यू नो इन लॉज को लेंदी बना रहे थे तो उनको हटाना तो जरूरत उनकी उन्हें हटाने की वहां से जरूरत तो थी एक रीजन ये भी है दूसरी चीज ये कि वी हैव अ लॉट ऑफ क्राइम्स जो कि आज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप कोर्ट की बात करो जहां पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए चीजों को काफी कंफर्टेबल बना सकते हैं या फिर कह लो बहुत स्मूथ बना सकते हैं ठीक है तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पर नहीं थी जो आज है उससे रिलेटेड हमारे लॉज में कुछ भी नहीं है तो हमको वो भी अपडेट करना जरूरी था ठीक है

ठीक है चलो देखते हैं प्रीवियस एक्ट या कोड क्या थे और उनके जगह पे कौन कौन से से आने वाले लेट्स इंडियन पीनल कोड 1860 के जगह पे आने वाला है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 इसका नया नाम ये होगा बीएनएस बिल ठीक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें 1898 का तो इसके जगह आने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल ट्वेंटी एंड अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसके जगह आने वाला है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ठीक है तो पैसेज सॉल्व करते टाइम अगर तो कोई भी पैसेज आता है तो पैसेज सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना बिल की बात हो रही है या प्रीवियस एक्ट की बात हो रही है ठीक है प्रीवियस एक्ट या फिर बिल्स उस हिसाब से ध्यान रखते हुए पैसेज सॉल्व करना ठीक है चलो आगे देखते हैं अच्छा इनमें मेजर चेंजेस क्या है तो भाई यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पैसेज में बहुत बार हम इसी में घूमते हैं कि

Uh, अब नए वाले बिल में सिटीशन वाला प्रोविजन नहीं होगा तो मैम फिर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जाएगा या स्टेट के अगेंस्ट कोई जाएगा तो उन्हें फिर कैसे बचाएंगे एज एन उनको कैसे पनिश किया जाएगा तो उनके लिए भी प्रोविजन है उनके लिए प्रोविजन है सेक्शन 150 जो कि बीएनएस बिल का है वो ये बात करता है uh, इसका एक चैप्टर है विच परटेन्स टू ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट तो इसका एक चैप्टर है जो बात करता है अगेंस्ट द स्टेट तो उसमें ये बात करिए भाई ऐसे कोई भी एक्ट विच एंडिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया ऐसे तो कोई भी एक्ट होंगे जो कि इंडिया की सोवरानिटी इंटेग्रिटी या यूनिटी के अगेंस्ट जा रहे हो या उसको अफेक्ट कर रहे हो नेगेटिवली तो फिर वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा और उसी में इनडायरेक्टली सोड्यूशन भी आ जाएगा बट एज सच वो सोड्यूशन वाली चीज को वहां से हटा रहे ठीक है ये है इसका एक चेंज ठीक है नेक्स्ट अ न्यू अविजन स्नैचिंग भाई अभी तक स्नैचिंग वाली चीज आईपीसी में कहीं भी नहीं देख रखी ऑफकोर्स थेफ्ट था चोरी करना था बट स्नैचिंग अलग से नहीं था तो नया बिल स्नैचिंग के बारे में बात करने वाला है अंडर सेक्शन थ्री जीरो टू ऑफ बीएनएस बिल टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा यू नो फ्रीक्वेंटली हम इसके बारे में फ्रीक्वेंटली यू नो वी वी कम अक्रॉस दिस टर्म बट ये कहीं भी डिफाइंड नहीं था स्पेशली हमारे आईपीसी में तो डिफाइंड नहीं था तो ये जो नया बिल है इट इज गोइंग टू डिफाइन टेररिज्म जो कि आईपीसी में नहीं था ठीक है स्नैचिंग टेररिज्म बीएनएस बिल एड कम्युनिटी सर्विस टू द पनिशमेंट ऑफ डिफीमेशन तो भाई हमको बताया डिफेमेशन की बात करते हैं फोर नाइन्टी नाइन फाइव हंड्रेड आई टीसी बट वहां भी पनिशमेंट क्या देकर रखा था याद करो जो राहुल गांधी को भी मिला मिला था कर दो साल वाला तो दो साल या सिंपल इम्पेस्टमेंट ऑफ टू ईयर्स ठीक है या फिर फाइन ऑफ विद बोथ अब उनने बोला की दो साल तो ठीक है उसके साथ साथ आपको कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ेगी तो ये कम्युनिटी सर्विस वाली जो चीज है ये एक इनोवेशन है नए बिल में है ठीक है

तो नए बिल में इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट बोला गया है ठीक है अलाउविंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर पर्पिटरेटर्स ऑफ मॉब लिंचिंग ठीक है नाउ इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स मिनिमम सेंटेंस ऑफ ट्वेंटी फॉर गैंग रेप ठीक है ना रेप uh, जो भी गैंग रेप करते हैं उन लोग के लिए ट्वेंटी ईयर्स का मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है दैट्स अनदर थिंग देन यू हैव कम्युनिटी सर्विस प्रोविजन फॉर पेटी क्राइम्स रादर देन कस्टोडियल सेंटेंसेस तो भाई कस्टडी में रहकर उनको सेंटेंस छोटे मोटे क्राइम्स है तो उनके लिए अब एक चीज भाई कम्युनिटी सर्विसेज रखो ज्यादा अच्छा है ठीक so, अच्छा है उनसे कम्युनिटी को सर्व करे अच्छा मूव है ट्रायल्स एंड क्रमेस्टिगेश की बात करें तो लंबे लंबे ट्रायल्स चले आते हैं अगर यू uh, नो you know, काफी लंबे लंबे ट्रायल चलते थे और बहुत बार उनको कस्टडी में रहना पड़ता था अंडर ट्रायल बिजनेस को तो उनके लिए भी अब टर्म फिक्स कर दिया गया विच इज अगेन वेरी नाइस मूव ठीक है तो ये कुछ और चेंजेस जो कि नया बिल लेकर आया है ठीक है देन नीड फॉर रिफॉर्म जरूरत क्या थी ये नए बिल्स लाने की जरूरत थी क्या कहीं पर भी कैसी भी देखते हैं नीड फॉर रिफॉर्म्स तो भाई पहली चीज तो कॉलोनियल लेगेसी हम बात कर चुके हैं चाहे सब्सटैंडिव लॉ हो या प्रोसीजर लॉ हो कहीं ना कहीं सभी के सभी कॉपीड थे ब्रिटिश लॉज से ठीक है और ब्रिटिशर्स हमें रूल करके गए थे उस टाइम उन्होंने रूल्स बनाए थे ये लॉज बनाए थे तो आज इनका क्या काम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में इसीलिए उस लेगेसी को हटाने के लिए इन इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तो भाई नॉर्मली डू वी ताकि जस्टिस सबको सही ढंग से पहुंच जाए ठीक है अब इन लॉस की बात करें तो इनके कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो इन अ वे लोगों को हरास कर रहे थे ठीक है तो उस चीज से डील करने के लिए भी ताकि यू नो वी हैव मोर ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम जस्टिस डिलीवरी अच्छे से हो जाए रास करे तो लोगों को किस हिसाब से भाई लॉ कैसे हरास करेगा लोगों को ऐसे कर सकता है कि जैसे मैंने देखा ना कि ट्रायल्स के लिए कोई लिमिट ही नहीं है चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं काफी टाइम तक जा रहे हैं तो भाई इन अ वे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसका ट्रायल अभी तक आ, हुआ नहीं है उसको कस्टडी में रखा जा रहा है तो वो सारी चीजें थोड़ी गलत है ठीक है सो so, उनके लिए कुछ प्रोविजन्स है देन यू हैव पेंडेंसी ऑफ केसेस तो भाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने यहाँ केसेस तो अच्छे खासे पेंडिंग है ही तो बहुत बार लॉस को सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत होती है ठीक है दैट इज वन ऑफ द रीजन ट्रायल्स पुलिस इशू भाई पुलिस की बात करें तो वेन इट कम्स टू जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पुलिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना ऑल ऑफ दूस थिंग्स ठीक है अब यार बहुत बार करप्शन के वजह से या फिर वर्क लोड पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है तो काफी सारे प्रोविजन ऐसे भी है जो इनको टारगेट करते हुए भी बनाए गए हैं नए बिल में ठीक है तो एक रीजन ये भी था इसलिए भी रिफॉर्म्स की जरूरत थी बनते हैं नहीं बनते हैं तब तक के लिए इतना जानना सफिशिएंट है काफी है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो काफी है, ठीक है चलो ये हो गया आपकी फोर्थ कंट्रोवर्सी काम की चीज कितनी थी काम की चीज इतनी थी कि भाई नए बिल्स आ रहे हैं फिलहाल सिलेक्ट कमिटी के पास है और कुछ कुछ चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हमने देख लिया सफिशिएंट ठीक है चले भाई फाइन मॉब लिंचिंग जैसे कि यू नो फोटोज में दिख रहा होगा क्या होता है लिंचिंग एक बेसिक आइडिया हमको पता है हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं नॉर्मली वी हैव अ सिस्टम ठीक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वी हैव कोर्ट्स जो एडजुडिकेट करते हैं मैटर्स को वी हैव लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि इंप्लीमेंट करते, है, you know, uh, करते हैं फाइनली जुडिशरी जो कि उस यू नो डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करते हैं एज पर द लॉज ठीक है जब हमारे पास पूरी एक Uh, you know, एक मशीनरी है जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए laws, उनका और फिर एडजुडिकेशन uh, you know, uh, तो मॉब लिंचिंग वही होता है you know, in, जब लोग कर लेते कि हमारे पास कोई कोर्ट वोट नहीं है और यही परपिट्रेटर है सिर्फ रूमर्स को सुनते हुए मैंने कहीं से सुना कि यार इस इंसान ने अपने घर में बीफ रखा हुआ है और बस सारे के सारी भीड़ लेके पहुंच गई और मैंने फिर उसको जला दिया या उसके घर को जला दिया दिस इज मॉब लिंचिंग मतलब जबरदस्ती कानून अपने हाथ में ले लेना आउट ऑफ नो वेड रीजन एट ऑल बस कर दिया किसी भी उम्र के बेसिस पे कर दिया दिस इज मॉब लिंचिंग देखते हैं तो भाई वाई वी स्टार्टिंग अबाउट मॉब लिंचिंग हमें एक आइडिया होना चाहिए ऐसा कॉन्टेक्स क्या है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्टेट से बोला है कि भाई रिपोर्ट दो मॉब लिंचिंग क्यों कम नहीं हो रही वाई दर सर्ज इन द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग अभी भी मॉब लिंचिंग के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं ठीक है तो इस इसमें एक रिपोर्ट मांगी गई तो ये जानना तो इंपॉर्टेंट है मॉब लिंचिंग होता क्या है देखो भाई सुप्रीम कोर्ट द सेंटर एंड इट लीज सिक्स रिफ्यूजिंग टू स्टॉप क्यों ये चीज बंद नहीं हो रही इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से और कुछ स्टेट से उनके जवाब मांगे हैं ठीक है देखते हैं भाई मॉब लिंचिंग होता क्या है व्हाट इज मॉब लिंचिंग लेट्स सी इट इज अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस वॉयलेंस ऑफ कोर्स ही है

कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट लोग खुद ही एक मॉब अपना खुद ही कोर्ट बना लेते हैं ठीक है मतलब जस्ट इमेजिन दैट वे और फिर उसके बाद दे इम्पोज सेंटेंस या फिर कह लो पनिशमेंट किसके ऊपर ऑन द पॉपरेटे जैसे ये लोग यहां पे कर रहे हैं थर्ड में ये सारी चीजें होती है बहुत ही अनफेयर तरीके से विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सारी चीजें हो रही है अनलॉफुल तरीके से ठीक है और इसके केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई वॉट इज द रीजन वो पूछना चाह रहे हैं स्टेट से भी और सेंटर से भी इसलिए ये मुद्दा वापस उठाओ देखते हैं भाई इसके अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें इंडिया में डू वी हैव स्पेसिफिक लॉज डीलिंग विथ मॉबलिन से नो वी डोनाट हैव एनी नेशनल लॉ लिंचिंग लिंचिंग mob के लिए तो स्पेसिफिक है ही नहीं अगर इंडिया की बात करें तो फिर कैसे गवर्न होता है तो भाई दिस इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी सीआरपीसी एंड नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया लिंचिंग होता क्या है ना तो आईपीसी में ना सीआरपीसी में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्या तो फिर अगर लिंचिंग कोई करता है तो हम कैसे डील करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं हम आईपीसी के कुछ सेक्शंस के अंदर उसको डील कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मॉब लिंचिंग करते करते किसी इंसान को मारते मारते उसकी डेथ हो गई तो हम उसको फिर मर्डर में कलझड़ा कर, कर लेते हैं डेथ से थोड़ा एक स्टेज कम नॉट अमाउंटिंग टू टू मर्डर एंड देन अटेम्प्ट मर्डर ठीक है इस टाइप के प्रोविजन में हम उसको डील कर लेते हैं बट अगेन हमारे पास मॉब लिंचिंग से डील करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है इसीलिए भी हमारे जो नए बिल हैं उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट वाला प्रोविजन ऑफ यू रिमेम्बर उसमें कैपिटल प्रोविजन पनिशमेंट वाला प्रोविजन है के के लिए ठीक ठीक है 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 तो वहां से हम इसे कर सकते हैं What about some recent case studies? देखते हैं देखते इसके ऊपर कुछ recent case studies है, जहां पे you know, बहुत ही uh, सामने आए थे ठीक है तो भाई आई एम ब्रेटी श्योर इसके बारे में तो सबको पता होगा वी हैड दिस दादरी लिंचिंग केस तो भाई एक इंसान था मोहम्मद अखलक ठीक है

बहुत बहुत मतलब मॉब लिंचिंग वाला एक बहुत वर्स्ट केस था एंड दिस वाज वन ऑफ ऑफ द फर्स्ट केसेस मॉब लिंचिंग ठीक है जैसे सामने आया था सो दिस इज अ 2015 का केस केस फाइन दादरी लिंचिंग देन फ्यू मोर इंसिडेंट्स अगर बात करें अलवर राजस्थान की तो ये दो का केस है यहाँ पे क्या हुआ था वर सम पीपल दे बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे और दे वर अक्यूज ऑफ कैटल स्मगलिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ काव्स काव्स आर गाय के बच्चे ठीक है तो इनको मुस्लिम कम्युनिटी को अक्यूज किया गया था कि ये लोग काउ को स्लॉटर भी कर रहे हैं और उनको स्मगल कर रहे हैं इस बेसिस पर देवर लिंस् ये हुआ था अलवर राजस्थान में फिर एक केस आया दो में दिल्ली का यहाँ पे क्या हुआ एक एक रिक्शा ड्राइवर थे उन्होंने कुछ लोगों को कुछ बच्चों को आठ देवर सम स्टूडेंट देवर इंटॉक्सिकेटेड ठीक है और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे नशे में थे उनको एक रिक्शा ड्राइवर ने मना किया कि भाई यू आर नॉट सपोज टू यूरिनेट ऑन द पब्लिक बॉल ठीक है दबाई यूरिनेटिंग ऑन द पब्लिक बॉल रिक्शा ड्राइवर ने जब उनको रोकने की कोशिश करी मना किया तो उन्होंने गुस्से में आकर इन्हीं को बहुत मारा और फिर मार दिया दे वर फ्यूरियस एंड देर the rickshaw driver. Again, law लॉ से बाहर जाके काम किया ये ठीक है ठेके? So this was Delhi का केस Then again a very important one and a recent one, पहलगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ लिंचिंग केस 2020 की बात है uh, एक ड्राइवर थे एंड देवर टू साधु वन ड्राइवर एंड टू चोरी करी थी ठीक है? इस पे, इस रूमर के पे, एक ड्राइवर और दो साधुओं को मॉब ने मिलकर बहुत मारा बहुत मारा मॉब लिंचिंग अगेन पहल का डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये हुआ था ठीक है तो ये सीन है मॉब लिंचिंग का इंडिया में ठीक है आम... क्यों इंपॉर्टेंट है का हमको पता होना चाहिए दैट्स द ओनली आइडिया और कुछ केस स्टडीज खूब से खूब पे चीजें आ सकती है फेमस केसेस हैं और इंडिया में लॉस तो नहीं है बट हां नए बिल्स आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए भी प्रोविजन्स ला रहे हैं ठीक है सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन I hope uh, ये session आपके लिए helpful रहा होगा, especially with regard to your current legal knowledge. I think um, approach clear हो CLC के लिए और हमें knowledge हो, थोड़ी बहुत background information हो, थोड़ी बहुत background information हो, तो हमें legal में score करने से कोई रोक नहीं सकता. That's fair, ठीक है? So do let me know how did you find today's session? Was it helpful? हम और क्या चीजें ला सकते हैं? Uh, that's happy you know completely uh, your call just let me know in the comment section kaisa laga and ye tha august month I'll see you next month in the coming days ok so with this I'll take your leave and um, thank you thank you so much I'll see you in the next session till then take a very good, good care of yourself thank you